अगर आप परेशान रहेंगे, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार रहेंगे, तो आपके नेगेटिव रेडिकल्स प्रोड्यूस होते रहेंगे। बाज़ुकात एक प्रेगनेंसी अगर ट्यूब में हो जाए, उसे एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, अगर उसकी वजह से ट्यूब को सर्जिकली निकालना पड़ जाए। मैं डॉक्टर सुंबल अफजल, कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट, 18 ईयर्स से इनफर्टिलिटी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। जो टॉपिक मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, वो बहुत ही ज़रूरी है, जिसके बारे में आपकी मालूमात होना और आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप IVF क्यों करवाना चाहेंगे, आपके लिए IVF या ICSI क्यों ज़रूरी है, क्या यही तरीका इलाज है और क्या ये जायज़ है, क्या इस्लामिक तौर पे हम इसे ऑप्ट कर सकते हैं, क्या इससे पैदा होने वाला बच्चा हमारा ही होगा या इसमें भी कोई और प्रॉब्लम आ सकती हैं, बच्चे की बनावट में मसला आ सकता है या इस तरीका है इलाज से बच्चा पैदा होने वाला एबनॉर्मल भी हो सकता है। इन सब के सवाल जानने के लिए मेरी वीडियो को डिटेल में देखें। इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि IVF और ICSI क्या है, ये हम किन पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, किन का इलाज सिर्फ इसी तरीके से मुमकिन है। वो मेरे पेशेंट, वो मेरे कपल जो 2 साल से इकट्ठे रह रहे हों और हमल ना हो रहा हो, या जिनमें 4 से 6 साइकिल ओवुलेशन इंडक्शन के फेल हो चुके हों, या जिनमें IUI के साइकल्स फेल हो चुके हों, या हस्बैंड में प्रॉब्लम आ रही हो। फीमेल में सबसे बड़ा मसला ट्यूब्स का होता है। बाज़ुकात एक प्रेगनेंसी अगर ट्यूब में हो जाए, उसे एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, अगर उसकी वजह से ट्यूब को सर्जिकली निकालना पड़ जाए, या PID मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जो पेशेंट हमारी फीमेल अक्सर सामना करना पड़ता है उनको, उसकी वजह से ट्यूब्स ब्लॉक हो जाएं, या एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत बड़ी वजह है जो एग भी बनने नहीं देती और आपकी ट्यूब्स को भी ख़राब करती हैं, उसकी वजह से भी आपकी ट्यूब्स ख़राब हो सकती हैं और उसकी वजह से भी आपको IVF की तरफ जाना पड़ सकता है, और या हस्बैंड के जरासीम जो है काउंट हैं वो 0 आ रहे हों या बहुत ही कम आ रहे हों, या अगर उनकी मोर्टेलिटी का इशू आ रहा हो, तो हम ऐसे सारे पेशेंट को, मैं अपने तमाम पेशेंट को सजेस्ट करूँगी कि उन्हें वक्त ज़ाया किए बग़ैर IVF की तरफ जाना चाहिए। क्यों, किस वजह से जाना चाहिए? क्योंकि IVF की सक्सेस डिपेंड करती है 5 चीज़ों पे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है एज। वक्त के साथ साथ आपके अंडे बनाने की सलाहियत कम होने लगती है, जिसकी वजह से हर साइकिल में आपका बहुत अच्छा एग आपको नहीं मिलता। इसलिए जितनी यंग एज में आप IVF की तरफ जाएंगे, आपकी सक्सेस ज़्यादा होगी। और इससे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मैं आपको बताना चाहूँ, BMI, यानी अगर आप ज़्यादा मोटापे का शिकार हैं या आपका वज़न एवरेज से भी लोअर आ रहा है, तो तब भी आपके कंसीव करने में मसाइल आ सकते हैं, आपके हार्मोन्स ख़राब हो सकते हैं और आपके अंडे की क्वालिटी बेहतर नहीं बन सकती। और आपकी तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, आपकी हैबिट्स का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, यानी आप दोनों कपल्स में अगर कोई भी ऐसा मसला है, जैसे कि स्मोकिंग है, कोई ड्रग्स लेते हैं आप किसी बीमारी की वजह से, या आप डिप्रेशन का शिकार हैं और आप दवाइयां लेते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आपको मॉडिफाई करना है, स्मोकिंग की हैबिट को ख़त्म करना है। स्मोकिंग एक बहुत अलार्मिंग फैक्टर है जो स्पर्म काउंट पे बैडली इफ़ेक्ट करता है और आपके कंसीव करने की सलाहियत को ख़राब करता है। इसके अलावा वो आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसमें आपको मेडिटेरियन डाइट का मतलब है आपको हरे पत्तों वाली सब्जियां लेनी हैं, आपको फल लेने हैं, स्पेशली वो फल लेने हैं जिनमें विटामिन सी ज़्यादा है, सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और अपनी डाइट में वाइट मीट को ऐड करना है, कैलोरीज को अवॉइड करना है, तमाम प्रोसेस फूड को अवॉइड करना है, ताकि आपके हार्मोन्स बेहतर तरीके से काम कर सकें और उनके इम्बैलेंस को बेहतर किया जा सके। इसके अलावा आपका आपस में खुशगवार तरीके से ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़रूरी है।
यानी आपका आपस में खुश रहना, रिलेशन, आपके सेक्सुअल रिलेशन का कंफर्टेबल रहना, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुश रहें। यानी अगर आप परेशान रहेंगे, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार रहेंगे, तो आपके नेगेटिव रेडिकल्स प्रोड्यूस होते रहेंगे जो आपकी फीमेल की एग और हस्बैंड की स्पर्म की क्वालिटी को ख़राब करेंगे। इसलिए मेरा ये मैसेज है बहुत इम्पॉर्टेंट कि आप लोग अपनी ज़िंदगी आपस में मोहब्बत से गुजारें, खुश रहें, टेंशन और एंग्जाइटी को अवॉइड करें और मेरी वीडियो को डिटेल में देखें। शुक्रिया।